आइए अब एक प्रश्न को विलोपन विधि से हल करते हैं। रैखिक समीकरण युग्म और उनके हल को विलोपन विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। हमारे पास एक भिन्न है, अगर हम अंश में एक जोड़ते हैं और हर में से एक घटाते हैं तो भिन्न एक बन जाएगा, और दूसरी स्थिति में हर में एक जोड़ेंगे तो यहाँ हाफ बन जाएगा। इस स्थिति में भिन्न क्या होगा? वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए तब इसका हल देखते हैं। माना अंश x है और हर y है, इसलिए भिन्न x बटे y होगा। अगर अंश में एक जोड़ेंगे तो अंश x प्लस वन बन जाएगा, और हर में से एक घटाने पर हर y माइनस वन बन जाएगा, इसलिए भिन्न बराबर होगा x प्लस वन बटे y माइनस वन, जो कि एक के बराबर दिया है, इसलिए x प्लस वन बटे y माइनस वन बराबर वन होगा, जिसे हल करने पर जो समीकरण मिलेगा उसे हम समीकरण एक कहेंगे। अब भिन्न हाफ हो जाएगा अगर हम हर में एक जोड़ेंगे तो, जिसे हल करने पर हमें समीकरण दो मिला। आपने देखा कि हमें दो समीकरण, समीकरण एक और समीकरण दो मिले। आइए दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करते हैं। चूंकि दोनों समीकरण में y का गुणक बराबर है, इसलिए समीकरण दो में से समीकरण एक घटाने पर x बराबर तीन मिला, और x बराबर तीन को समीकरण दो में प्रतिस्थापित करने पर y बराबर फाइव मिला। चूंकि भिन्न बराबर x बाई वाई है, इसलिए भिन्न होगा तीन बट्टे पांच। इसको अपनी कॉपी में लिख लें और इसे भी। हमने इस वीडियो में प्रश्न को विलोपन विधि से हल करना सीख लिया। आइए अब आगे देखते हैं।